बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ असले वाली सरकार। सो गाइस, आज की वीडियो बनाने का मकसद यह है कि मुझे जो है ना कमेंट बॉक्स में भी और व्हाट्सएप पे भी जो मतलब लोगों की कॉल्स मैसेजेस आते हैं, तो उसमें लोग ज़्यादातर जो है वो 30 बोर के हवाले से तो चलें पूछते ही हैं, 30 बोर की क्वालिटी तो चलें फिर भी कोई ना कोई अच्छी मिल जाती है, लेकिन ज़्यादा वो 9mm के बारे में पूछते हैं। कहते हैं कि भाई हम अच्छी से अच्छी क्वालिटी का भी ले लें वेपन, तो जाहिर सी बात है जो विलायती गोली एफ-मेड जो बुलेट्स हैं वो मतलब अफोर्डेबल नहीं होते, तो हम पाक मेड में कौन सी गोली चलाएं जो सबसे ज़्यादा अच्छी हो, जो चले भी और उससे हमारे वेपन को नुकसान भी ना हो और वो अच्छा चले, शेल वगैरह ना फंसाए। तो गाइस, इस टाइम जो सबसे देसी गोली में पाक मेड जो राउंड हैं उनमें सबसे अच्छी जो है इस टाइम कनोच है। कनोच के अलावा परवाज़ की भी 9mm की गोली नहीं चलती, किसी काम की नहीं, थर्ड क्लास गोली है। 9mm में बहुत कम बुलेट्स हैं जो कामयाब होती हैं देसी में, और जिनमें ये कनोच जो है ये अव्वल नंबर पे है, पहले नंबर पे है। कनोच सबसे अच्छी क्वालिटी की गोली इस टाइम बना रहा है, ये फाइटर आर्म्स की तरफ से बनाई जा रही है, ठीक है। इसने परवाज़ को भी जो है ना नाकामी का मुंह दिखाया 9mm में, ठीक है। 9mm में लोग कहते हैं 30 बोर में परवाज़ की गोली अच्छी होगी, तो 9mm में भी अच्छी होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। 30 बोर में जो है वो परवाज़ की गोली सबसे बेस्ट है, और 9mm में कनोच से अच्छी गोली कोई नहीं है। कनोच से अच्छी फिर यही है कि आप विलायती गोली लेके चला लें, एफ-मेड नोरिनको की ले लें या कोई भी जो भी मतलब POF की ले लें, कोई भी लेके चला लें। सो गाइस, ये जो देसी गोलियों में जो है ये सबसे अच्छी गोली बना रहे हैं, इनमें असल में मेन चीज़ क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। असल में सबसे पहले इन्होंने जो मेन जो वो फोकस किया, इन्होंने इसके जो शेल के ऊपर फोकस किया है, ठीक है। इन्होंने इसका जो है कॉलर काफ़ी अच्छा बनाया है, काफ़ी अच्छा बनाने के बाद इन्होंने जो इसका पटाखा बनाया है, ये POF का जो है ना शेल जो है ये POF का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। वाह का जो है ये शेल इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये शेल जो है इनमें जो वो लोहे का बनाते हैं या जो सिल्वर का बनाते हैं वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो जब फायर होता है वो प्रेशर के साथ फट जाता है, जब फट जाता है तो वो आपके वेपन के अंदर स्टक हो जाता है, फंस जाता है, तो वो बाहर नहीं निकलता, इस वजह से आपका पिस्टल जो है वो रुक जाता है और आपको जो है वो शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। तो इन्होंने सबसे पहले जो है वो फोकस किया इसके शेल पे, कि इसका जो है इन्होंने जो इसका खोखा है जो वो इन्होंने बहुत अच्छी क्वालिटी का, जो मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी से मुराद ये कि इस टाइम सबसे अच्छी क्वालिटी जो है पाक मेड में जो है वो वाह की जा रही है, POF की, ठीक है। तो उसमें ये जो है सबसे अच्छी उनका शेल ये इस्तेमाल कर रहे हैं, इम्पोर्टेड शेल जो है ये से इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके बाद इन्होंने इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छे तरीके से बनाई है, इन्होंने एक एफ-मेड जो है गोली के हिसाब से जो है ना इसका जो है इसको बनाया है, इसका जो मतलब साइजिंग जो है इसकी एफ-मेड गोली के हिसाब से की है। इसके अंदर इन्होंने बहुत अच्छी क्वालिटी का जो है वो बारूद जो इस्तेमाल किया है, जिसे हम पाउडर कहते हैं या बारूद कह लें या जो भी कह लें कि आप अपनी ज़ुबान में जो भी कहते हैं, तो वो मैं आपको खोल के भी दिखाऊंगा। पर 9mm की कोई भी गोली ले लें कनोच की, इसकी आपको साइजिंग में किसी किस्म की जो है ना किसी किस्म की इसके अंदर आपको जो है ना कमी पेशी नज़र नहीं आएगी। आप जितनी भी बुलेट ले लें ये आपको सेम साइज़ में ही मिलेंगी, एक ही साइज़ में मिलेंगी, इनकी साइजिंग जो है वो आपको ऊपर नीचे नहीं नज़र आएंगी, ये आपको टेढ़ी मेढ़ी नज़र नहीं आएंगे। असल में इसकी कामयाबी की मेन वजह ही यही है कि इस टाइम जो है ये मार्केट में देसी गोलियों में सबसे महंगी भी है, ठीक है। इसकी कामयाबी की मेन वजह ये है कि ये एक अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, अच्छी क्वालिटी के साथ साथ ये आपके जो है वो वेपन को प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं। जब इसके अंदर इसका फायर करते हैं, एक देसी गोली का फायर ले लें कर लें, लोकल गोली का फायर कर लें और एक इसका कर लें, तो दोनों में से ये है कि इसका जो है अंदर बारूद नहीं रहेगा, जो बारूद होता है वो अंदर जंग बनाता है आपके बैरल के अंदर,
इस गोली का जो जब आप फायर करेंगे इसके बाद आपको बारूद नहीं नज़र आएगा, धुआं जो मतलब एक बैरल के अंदर जो वो जमा सा नज़र आता है वो आपको नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल साफ़ सुथरा जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपकी बैरल जैसे आप फायर करेंगे वैसे ही रहेगी। उसके बाद बात यह है कि इन्होंने सबसे अच्छी क्वालिटी का जो है ये सिक्का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि मेन तो काम यही है, इसने ही जो सारा प्रेशर बनाना है जब इसने आगे जाना है, तो इन्होंने एक अच्छी क्वालिटी का ये एक सिक्का बना रहे हैं। इस सिक्के से ये है कि ना तो ज़्यादा मोटा बना रहे हैं, क्योंकि अक्सर कंपनीज जो हैं वो बिल्कुल मोटा जो थोड़ा सा उनका जो सिक्का आगे से है वो मोटा होता है, जिसकी वजह से वो बैरल के अंदर अच्छी तरह फिट नहीं बैठता, थोड़ा सा पीछे रहता, जब पीछे रहता है तो वो जो है जब फायर होता है तो उसका प्रेशर जो है वेस्ट हो जाता है। जैसा कि मतलब अभी मेरे पास एक लोकल गोली पड़ी हुई है 9mm की, ये देखें। तो लोग कहते हैं कि हम जितनी ज़्यादा मर्ज़ी चला लें तो ये गोली जो है ना, हालांकि ये देखें ये एक फायर पिन अच्छी हिट कर रही है, ठीक है, इससे ज़्यादा जो है ना फायर पिन जो है वो हिट नहीं कर सकती, लेकिन ये फिर भी देख लें ये फिर भी मिस है गोली, ये गोली जो है ना नकारा है। तो जब आप कहीं अगर चला रहे हैं या अगर आपको खुदा ना खासा किसी परेशानी में है तो आपकी गोली मिस हो जाती है या जो भी है, तो फिर आपको जानी नुकसान भी होता है या जो भी मतलब जिस भी मकसद के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं आपको हमेशा यही रिकमेंड करूँगा कि आप जो भी चीज़ लें वो आप अच्छी चीज़ लें, क्योंकि वेपन तो अपनी सेफ्टी के लिए होता है। तो मैं आपको इनको अभी खोल के भी दिखाऊंगा, इनकी गोलियों का जो है वो मैं बारूद भी निकाल के आपको दिखाऊंगा, ठीक है। एक हम ये लोकल गोली ले लेते हैं जो कि मिस है ऑलरेडी, ठीक है, और उसके बाद एक गोली हम जो है वो 9mm की ले लेते हैं जो कि ये कनौज की है। तो उन दोनों को हम सबसे पहले खोलेंगे। ये सबसे पहले जो है लोकल गोली हम खोलेंगे, ये एक जो मिस है ये वो गोली खोली हमने, और एक हम जो है कनौज की गोली खोलेंगे, ठीक है। ये कनौज की गोली हम खोलेंगे, तो गाइस अब मैं आपको इनका दिखाऊंगा, इनके अंदर डिफरेंस दिखाऊंगा आपको, इनके शेल के अंदर भी जो है अच्छा खासा डिफरेंस जो है वो नज़र आएगा। तो गाइस ये देखें, ये एक जो है ये जो वो लोकल वाली गोली है ये वो है, ठीक है, ये इसका बारूद है जो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है, ठीक है, और उसके बाद मैं आपको निकाल के दिखाऊँगा ये कनौज की गोली का जो, क्योंकि इन्होंने इसको प्रेस के साथ जो है बिठाया होता है, अंदर जो बारूद है ये प्रेस के साथ बिठाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इन्होंने अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी के साथ साथ ये मटेरियल भी इसके अंदर डाल रहे हैं। तो ये मैं किसी चीज़ के साथ आपको निकाल के दिखाऊंगा बारूद, गाइस ये देखें, ये मैंने जो मतलब एक लोकल ब्रांड की गोली है ये इसका मैंने बारूद निकाला है, और ये देख लें, और इसका ये देखें ये ग्रीन ग्रीन बारूद है, ये जो है ये वलैती बारूद इस्तेमाल कर रहे हैं। तो गाइस जब भी आप गोली लें अपने 9mm पिस्टल के लिए, ये जो भी लें मतलब देसी गोली में अगर आप इस्तेमाल करेंगे
तो आप किनोज की गोली इस्तेमाल करें, इसके अलावा आप कोई भी गोली इस्तेमाल ना करें। जज़ाकअल्लाह। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।